गुड में आपका स्वागत है। आज हमने देखिए काबुली चने के छोले और पनीर बनाए हैं। देखिए हमारे छोले और पनीर कितनी टेस्टी लग रही है। इस तरह देखिए हम बिना कम मसाले में ही बनाए हैं। शेयर करने जा रहे हैं काबुली चना और पनीर की सब्जी। देखिए हमने काबुली चना इसमें फ्राई किए, इसलिए ऑयल थोड़ा ये काला पड़ गया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल दे रहे हैं, बड़ी इलायची और दालचीनी तेजपत्ता। ये हो चुकी है। अब इसमें हम पीसे हुए मसाले डाल देते हैं। हम टमाटर, प्याज, जीरा, गोलकी सारे मसाले पीस लिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम चला लेते हैं। अब इस मसाले को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके हल्दी डाल देते हैं। देखिए इस तरह छोले बनाने से बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप जरूर ट्राई मारें। सारे मसाले पीस लें। हम मेरे पास उतना समय नहीं था कि आप लोगों को मसाले दिखा सके, इसलिए हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। मसाले आप लोग देख सकते हैं, बता दिए हैं। इस मसाले में हम हल्की कश्मीरी मिर्च डाल दें ताकि ये छोले का कलर हो जाए, अच्छी लगे, इससे तीखापन नहीं आता है। देख सकते हैं हमारे मसाले ही कितनी टेस्टी लग रही है। इसको हम देखिए मसाले जो बनने लगी थी, इसलिए हम बीच में कुछ ही चला के दिखा देते हैं। देखिए हम जैसे छोले बनाते थे हमारे मसाले दिख रही है, इतनी सारी मसाले नहीं। इसमें प्याज है दो, यानी एक बड़ी साइज के प्याज है, एक बड़े साइज के टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, मिर्च है, जीरा, गुलकी, इतने ही मसाले हैं। कुछ खड़े मसाले हमने डाले, आप देखें तरह। जब भी छोले बनाए छोले होने के आपको टेस्टी लगेगी, कभी छोले खराब नहीं लगेंगे। इससे आप ग्रेवी भी बनेगी, जो प्याज कच्चा फ्राई करते हैं उससे ग्रेवी नहीं बनती है। लेकिन हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगे, इसका मतलब मसाले हमारी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम छोले डाल देते हैं, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। और ये उबाल दिए थे, देखिए हम काबुली चना देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। देखिए उंगली की सहायता से हम इसको आपको दाब करके दिखा रहे हैं, बॉईल कर चुके हैं। स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। अब इस पे हम पानी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पे हम पानी डाल देंगे। अब इस पे हम जो है ना पनीर डाल दे रहे हैं। देखिए हम पनीर जो है डाल दे रहे हैं। अब इसको उबाल आने तक इसी तरह छोड़ देते हैं। हमारी छोले में जो है उबाल आने लगी है, देख सकते हैं इसका कलर साइड से कितना मस्त लग रहा है। छोले बनाए हैं, देखिए पनीर
इधर देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बिल्कुल बिखरी नहीं है। पौधे हमारी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए मटर, इस वाले काबली चना और ये पनीर की रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगी। देख सकते हैं आप लोग, देखने में भी ये बहुत टेस्टी कलर आई।